नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकर सक्सेस में। तो दोस्तों आज अपने फ्लोर बेस पजल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो पजल है ये IBPS कलर्क मेंस के अंदर इसी टाइप की एक पजल पूछी गई थी जो अभी 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था IBPS कलर्क मेंस का। तो इसके अंदर इसी टाइप की एक पजल पूछी गई थी जो कि BSE मैगजीन के अंदर फरवरी की जो BSE मैगजीन है उसमें प्रकाशित हुई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आज और देखते हैं कैसे हो सकती है। तो इस टाइप की जो पजल है सिंडिकेट बैंक पीओ, केनरा बैंक पीओ और SBI कलर्क के अंदर पूछी जा सकती है इस टाइप की पजल्स। तो इसकी अपने को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए अपनी पजल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पजल इंग्लिश के अंदर है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इंग्लिश में करवा दो। तो ये पजल तो मैं इंग्लिश में लेके आया हूँ, पर पहले मैं क्या करूंगा इसकी जो हिंदी है वो आपको बता दूंगा ताकि जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों वालों के लिए आसान हो जाएगा। तो पजल इंग्लिश के अंदर है पर मैं उसका हिंदी कन्वर्जन कर दूंगा पहले, ठीक है। अगर आपको हिंदी में पजल चाहिए तो आप कमेंट में नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए, जो नेक्स्ट पजल होगी अपनी जो भी सॉल्व करेंगे अपने तो उसको हम हिंदी में करें या इंग्लिश में, इन दोनों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हिंदी, कुछ कह रहे हैं इंग्लिश, यह दोनों एक साथ करनी है तो वो आपका डिसीजन है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी डालोगे मैं उसी में फिर आपके लिए नेक्स्ट पजल लेके आ जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप पे डिपेंड है हिंदी इंग्लिश दोनों में करवानी है या ओनली हिंदी वाली पजल चाहिए या इंग्लिश वाली चाहिए, तो वो कमेंट आप डाल दीजिए। तो चलिए अपनी पजल स्टार्ट करते हैं। 9% KLNNOPQR यस, ठीक है जी। 9 व्यक्ति दिए हुए हैं, लिविज इन ए बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी एक बिल्डिंग में रहते हैं पर जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में रहते हो। दे आर 9 फ्लोर इन दैट बिल्डिंग एंड ओनली 1% लिव इन द ईच फ्लोर, 9 फ्लोर बिल्डिंग के अंदर सभी फ्लोर पे एक एक व्यक्ति रहता है, ठीक है जी। द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1, द वन ओवर 2 एंड सो ऑन टॉप 9 फ्लोर, यानी जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो एक नंबर है और उससे ऊपर 2 और उससे ऊपर सबसे ऊपर वाला फ्लोर 9 नंबर फ्लोर है, ठीक है। इज वन बिलोंग डिफरेंट सिटी, यानी सभी अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं जैसे पटना, रांची, कानपुर, लखनऊ, गोवा, मनाली, दार्जिलिंग, मैसूर एंड जयपुर बट नॉट इन द नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के अंदर नहीं। ये जो हमें इंफॉर्मेशन हुई, अब जब पजल स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तो मैं साथ साथ पजल बनाता चलूँ और साथ साथ आपको हिंदी में कन्वर्जन करता चलूँगा। अपने को फ्लोर दिए हुए जी 9, सबसे ऊपर वाला 9 नंबर है और सबसे नीचे वाला 1 नंबर फ्लोर है। उसके बाद अपने को क्या दिए हुए जी, पर्सन दिए हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपने को डिफरेंट सिटी दी हुई, जब भी इस टाइप की पजल्स आए तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है इस तरह का जो तो आपको पता ही होगा। इसके अंदर अपने को क्या करना है, 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं अपने, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो फ्लोर बेस का उसमें 2 पॉसिबिलिटीज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अपने 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे तो बाद में अपने कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। अब अपने इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है एन बिलोंग्स टू मैसूर एंड ही लिव्स ऑन एन, ही लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर, यानी एन जो है वो मैसूर से है, एन कहां से है, मैसूर से है और वो क्या एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन मैं इस साइड लिख रहा हूं शॉर्ट हैंड वाली, एन कहां से है, मैसूर से और वो रहता किस पे है, एक सम फ्लोर यानी इवन मंजिल पे रहता है, ठीक है जी। ये अपनी इंफॉर्मेशन होगी। एक आगे देखते हैं, द वन हु बिलोंग्स टू पटना लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, यानी पटना से जो व्यक्ति रहता है वो भी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, एक व्यक्ति पटना से है कोई वो भी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है यानी सम संख्या पे रहता है। इसके बाद आगे देखते हैं, दैट इज बिलो द फ्लोर विच इवन लिव्स, यानी दैट ही बिलो द फ्लोर ऑन विच द वन हु लिव्स टू मैसूर, यानी पटना वाला व्यक्ति एक सम संख्या पे तो रहता है पर वो रहता कहाँ है, मैसूर के नीचे किसी इवन संख्या पे रहता है, यानी मैसूर एन जो एन है वो मैसूर से है वो भी इवन नंबर पे रहता है और पटना वाला भी इवन नंबर पे रहता है, लेकिन मैसूर है वो किसी ऊपर रहता है यानी पटना से ऊपर रहता है, एकदम ऊपर नहीं बोला है पर ऊपर रहता है इवन नंबर फ्लोर पे, और मैसूर के नीचे कौन रहता है, पटना रहता है किसी इवन नंबर पे। आगे पढ़ते हैं, एस लिव्स इन द
फ्लोर फोर्थ। अब अपने को एक और इन्फॉर्मेशन दिए कि अस कौन सी मंजिल पर रहता है, अस 4 नंबर मंजिल पे रहता है, तो अस अपना काम पे आ जाएगा 4 नंबर मंजिल पे। इसके साथ ही अपने क्या करेंगे, यहाँ पे एस को रख लेंगे क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है अपने को। ठीक है जी, वो आगे देखते हैं। एम बिलोंग्स टू गोवा एंड लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर। एम गोवा से है और सेकेंड फ्लोर पे रहता है। ठीक है जी, ये तो दोनों के अंदर सेम हो गया, एम गोवा और सेकेंड फ्लोर। पी डज नॉट बिलोंग टू पटना। पी जो है वो पटना से नहीं है, यानी पी कहाँ से नहीं है, पटना से नहीं है, तो अपने इस तरह से क्रॉस कर देंगे। ओनली 2% बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच क्यूब एंड एन लिव रिस्पेक्टिवली। यानी क्यूब और एन के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, दो फ्लोर है। क्यूब और एन के बीच में कितने फ्लोर है जी, दो फ्लोर है। एल बिलोंग्स टू कानपुर। एल जो है वो कहाँ से, कानपुर से है। तीन फ्लोर है जी, कानपुर एंड दार्जिलिंग। दार्जिलिंग और कानपुर वाले व्यक्ति के बीच में कितने फ्लोर है, तीन फ्लोर दिए हुए हैं जी। मैं इसको इंग्लिश में नहीं देखा, आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ मैं। तीन फ्लोर है कानपुर एंड दार्जिलिंग के बीच, यानी कानपुर एक दो तीन किसके बीच में है, दार्जिलिंग। अब इसको आप किस तरह से शॉर्ट हैंड में लिखते हो आपकी मर्जी है, DAR लगा के लिख देते हो या पूरा नाम लिखते हो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप लिखते हो। यानी आपको समझ में आना चाहिए, जब आप इन इंफॉर्मेशन को देख रहे हो तब समझ में आना चाहिए वो चीज़ जो आपने लिखी है शॉर्ट हैंड में। उसके बाद आता जी लखनऊ और जयपुर वाले, जो है लखनऊ वाला जयपुर के इमिडिएटली अबव रहता है, यानी जयपुर क्या है लखनऊ के नीचे और जयपुर लखनऊ ऊपर है जयपुर के। लखनऊ वाला जयपुर के इमिडिएटली अबव रहता है, यानी जयपुर के ऊपर रहता है। इमिडिएटली मतलब एकदम ऊपर रहता है, यानी दोनों एक साथ आएंगे कहीं पे। ठीक है, मनाली एंड दार्जिलिंग के बीच एक व्यक्ति है। ठीक है जी, मनाली और दार्जिलिंग वाले के बीच में एक व्यक्ति रहता है, यानी दार्जिलिंग ये अपना और एक व्यक्ति के बीच है मनाली के बीच। ठीक है जी, अब आगे इन्फॉर्मेशन लिख दिया, आर मनाली से नहीं है, यानी आर है वो मनाली से नहीं है, तो मनाली के सामने अपने क्रॉस करके आर लिख देंगे, आर मनाली से नहीं है। ठीक है, के ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी के जो है वो सबसे ऊपरी फ्लोर पर रहता है, तो के को अपने सबसे ऊपरी फ्लोर पर रख देंगे। ये लीजिए जी, के सबसे ऊपरी फ्लोर पर रहता है। ठीक है जी, मनाली वाला ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता, मनाली वाला जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर नॉट लिव है, यानी जो ग्राउंड फ्लोर कौन सा जी, एक नंबर वाला फ्लोर, इस पे अपना मनाली वाला नहीं आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं मनाली लिख के क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे मनाली नहीं आएगा मेरा। ठीक है, आर लिव्स ऑन द नंबर फ्लोर थर्ड, यानी आर कौन से फ्लोर पे रहता है, तीन नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है जी, ये लीजिए आर तीन नंबर फ्लोर पे आ गया। अब बात यह आती थी एक नंबर पर मनाली नहीं रहता। ठीक है जी, आर मनाली से नहीं है तो तीन नंबर पे तो मनाली नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन अपने यहां से क्लियर हो गई कि आर मनाली से नहीं है। ठीक है जी, अब अपने आगे देखते हैं, अब अपना क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है जी, अब अपने को इन्फॉर्मेशन जो अपने शॉर्ट हैंड में लिखी है उसी से क्वेश्चन को पूरा करना है। अब देखिए एन कहाँ पे रहता है जी, माइसोर का एन जो है माइसोर से इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है जी, अब एन के लिए इसके अंदर स्थान देखे, अगर इवन नंबर कौन सा बचा अपने पास, 6 और 8 दो इवन नंबर बचे हैं अपने पास। ठीक है जी, और इसके अंदर देखे तो इसके अंदर भी 6 और 8 दो नंबर वाले दो बच गए अपने पास इवन नंबर, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर मैं रख देता हूँ एन को यहाँ पे, और एन कौन सी सिटीज है माइसोर, और इसके अंदर मैं 6 नंबर के अंदर एन को रख देता हूँ यहाँ पे, और एन कहाँ से है माइसोर, और ये गोवा से। ठीक है, और मनाली का तो मना कर दिया इधर मैंने, तो अपनी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको अपने क्या करेंगे एक बार के लिए इसको हटा देंगे यहां से। ठीक है, अब बात करते हैं पटना वाला। पटना वाला व्यक्ति क्या गया, एक इवन नंबर फ्लोर पे एन के नीचे रहता है। ठीक है जी, और पर पी क्या है, पी पटना से नहीं है, तो अब अगर अपने बात करें पटना के लिए तो मैसूर यहाँ पे आ गया अपना, तो पटना वाला यहाँ पे भी तो आ सकता है और यहाँ पे भी तो आ सकता है, दोनों जगह पे पटना वाला आ सकता है। ठीक है जी, अगर इसके अंदर बात की जाए तो पटना वाला यहाँ पे आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है पटना वाले के लिए, यानी कि 2 नंबर वाला जो एक नंबर है उस पर तो गोवा वाला है, तो 4 नंबर है इसके सामने कौन आएगा, पटना। यहाँ पे दो कंडीशन बच रही है, पटना यहाँ पे तो आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो इसके अंदर अपने एक बार पटना को
कंसिडर नहीं कर सकते भी पढ़ना काम पे आएगा। हमारे यहाँ आगे देखते हैं, चौबू रन के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है जी, चौबू रन के बीच में दो व्यक्ति है, एक और दो, तो क्या वो अपना कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर चौबू रन के बीच में दो व्यक्ति देखे अपने, तो एक और दो, एक दो, क्या वो यहां पे आना चाहिए, पर यहां पे तो आना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यहां पे क्यों नहीं आएगा। इधर देखिए अपने एक और दो, तो यहां पे मेरा क्या वो आना चाहिए, तो यहां पे तो आ रहा है, यानी मेरी दूसरी कंडीशन थी वो यहां पे रॉन्ग हो गई। कैसे, कि एन और क्यों के बीच में दो व्यक्ति है, एक दो यहां पे क्यों आना चाहिए, एक दो यहां पे क्यों आना चाहिए, तो दोनों में क्यों नहीं आ रहा, तो ये जो मेरी कंडीशन है ये मेरी कंडीशन यहां पे गलत हो गई। अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची है यहां पे। अब अपने इसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है जी। एन और क्यों के बीच में दो व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने आगे देखते हैं। लखनऊ और जयपुर वाले क्या है, दोनों एक साथ रहते हैं जी, तो लखनऊ और जयपुर यहां तो अपना आएगा नहीं, यहां पे आ जाएगा, यानी लखनऊ और जयपुर के लिए एक बार बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इसको अपने एक बार छोड़ देते हैं। और अपने देखते हैं पटना इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और बी पटना से नहीं है, तो पटना के लिए या तो पटना यहां पे आएगा अपना, और या अपना पटना यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, दो ही कंडीशन पटना के लिए बचती है अपने पास थी, ठीक है जी। तो मैं पटना को एक बार यहां पे रख देता हूं और एक बार पटना को यहां पे रख देता हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें, अब ये कह रहे हैं पी जो है वो पटना से नहीं है, तो छह नंबर पे मैंने अगर पटना रखा तो तेरा पी यहां पे नहीं आएगा, और इसके अंदर वैसा आ गया तो पी की बड़ी कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ये सारी चीज मैं यहाँ पे नहीं लिखेगी, सिर्फ पटना को दो जगह कर रहा हूँ, एक पटना यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, यानी दो पॉसिबिलिटी जरूरी है, फिर आगे देख लेंगे अपने एक पॉसिबिलिटी में से रह जाएगी अपने, यानी पटना या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, दोनों में से एक जगह पे आएगा। अब पटना वाली इन्फॉर्मेशन अपना एक बार वहाँ पे लिख दी, तो यहाँ से अपने क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, और क्या वो रन के बीच दो व्यक्ति ये भी होगी, तो इसको भी हटा देते हैं अपने। अब पहले क्या है, कानपुर से है, और कानपुर और दार्जिलिंग के बीच कितने व्यक्ति है जी, तीन व्यक्ति है। एल कानपुर से, एल कानपुर और दार्जिलिंग के बीच तीन व्यक्ति है। अब अगर मैं एल और कानपुर को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है जी, तो मेरे को तीन व्यक्ति किसके बीच चाहिए, दार्जिलिंग के, कानपुर और दार्जिलिंग के बीच में, तो एक दो तीन, तीन व्यक्ति यहाँ पे हो गए, मेरा दार्जिलिंग यहाँ पे आ गया, कानपुर यहाँ पे, दार्जिलिंग यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मनाली और दार्जिलिंग के बीच एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति मेरा मनाली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक कंडीशन तो मेरे पास ये हो गई। इसके अंदर अगर मैं इस साइड से देखूं, एल और कानपुर को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि सिर्फ एल और कानपुर के लिए दो ही कंडीशन बची थी, या तो एल और कानपुर इस यहाँ आएंगे या यहाँ पे आएंगे, अगर पटना को अपने यहाँ पे मानने तो, ठीक है। एल और कानपुर को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो तीन व्यक्ति दार्जिलिंग के बीच में, एक दो तीन, ठीक है, तीन व्यक्ति आ जाएंगे यहाँ। अब क्या है, दार्जिलिंग और मनाली के बीच में एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति करें तो पटना आ रहा है ऊपर, तो नीचे एक व्यक्ति करें तो गोवा आ रहा है, तो मेरे पास इसके फॉलो अगर मैं पटना को यहाँ मानता हूँ, तो सिर्फ एक कंडीशन बचती है एल और कानपुर के लिए, ये वाली, तो मैं एल को यहाँ पर रख देता हूँ, कानपुर को यहाँ पर रख देता हूँ एक बार, ठीक है। इससे अगर अपना क्वेश्चन सही हो गया तो ठीक है, नहीं फिर पटना को अपने यहाँ पे मान लेंगे। अब तीन व्यक्ति रखने हैं, एक दो तीन, मेरा दार्जिलिंग यहाँ पे आएगा, मैं डी से प्रदर्शित कर रहा हूँ, यानी डी आर, अब समझ लेना दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग और मनाली के बीच एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति तो यहाँ भी हो सकता है, एक व्यक्ति नीचे भी तो हो सकता है, ये तो नहीं बोला भाई ऊपर है या नीचे, सिर्फ एक व्यक्ति है दार्जिलिंग और मनाली के बीच में। अगर मैं नीचे एक व्यक्ति देखूं, एक व्यक्ति यहाँ मेरा मनाली आना चाहिए, पर यहाँ तो आ रहा है, और आर के सामने मनाली मेरी मना है, तो मेरी मनाली के लिए सिर्फ एक जगह बस्ती है ये वाली, तो मेरा मनाली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन मेरी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब मेरे पास क्या कंडीशन बची है, कि लखनऊ और जयपुर दोनों एक साथ आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लखनऊ और जयपुर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लखनऊ और जयपुर एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे लखनऊ जयपुर एक साथ आ गए, ठीक है जी। अब अपने पास सिर्फ एक सिटी बची है जी, सिटी कौन सी बची है अपने, रांची, यानी रांची मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरी सिटी तो कंप्लीट हो चुकी है जी, अब पटना को मैंने यहाँ पे रख के देता, तो मेरी सिटी जो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं व्यक्तियों की बात करता हूँ, अगर व्यक्ति मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं मानूंगा भी पटना यहाँ पे सही है, अगर ये मेरा यहाँ से गलत हो जाता है तो मैं पटना को यहाँ से लेके चलूंगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, आप पी है, दो जगह बचे हैं, ठीक है,
पी यहाँ पे नहीं आएगा पटना के सामने, तो पी को मैं यहाँ पे रख दूँ यहाँ पे, और मेरा एक व्यक्ति कौन सा बच गया, ओ, ओ को मैं कहाँ रखूंगा यहाँ पे, यानी ये मेरी पजल कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है जी। यानी जो सोल्यूशन है इस पजल का वो ये है, ठीक है अपना सोल्यूशन आ चुका है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं उसको पहले लेके चलता, यानी मैं उसको, अब पजल तो अपनी सॉल्व हो चुकी है, पर मैं आपको जो पॉसिबिलिटी है वो भी समझा देता हूँ। अगर मैं पटना को यहाँ पे लेके चलता चार नंबर पे, यहाँ पे मेरा पटना होता, ठीक है जी, और एन यहाँ पे मेरा माइसोर होता, तो यहाँ पे मेरा एन होता, चार नंबर पे पटना आ गया, ठीक है, टॉप मोस्ट के ऊपर के आएगा मेरा, ठीक है जी, और एम दो नंबर पे आएगा गोवा के साथ में, ये क्लियर इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई थी, ठीक है जी। तीन नंबर पे आ रहेगा पर यहाँ पे मनाली नहीं आएगी, ठीक है जी। चार नंबर पे ऐसा अपनी कंडीशन दी हुई थी, एन और एस, एन और क्यू के बीच में दो व्यक्ति थे, तो एन और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हो गए, ठीक है जी। इतनी इन्फॉर्मेशन अपनी उसकी मनाली। अब आ जाती है मनाली के लिए, ये मेरा एक नंबर फ्लॉप हो गया। अब मनाली और दार्जिलिंग के बीच तीन व्यक्ति, मनाली मेरा यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो मैं मनाली को कहाँ पे मानूं? अगर मैं मनाली को यहाँ पे मानता हूँ, सॉरी अगर एल और लखनऊ, हाँ एल और लखनऊ को एक बार मैं यहाँ पे मानता हूँ, तो देखता हूँ लखनऊ और दार्जिलिंग के बीच तीन व्यक्ति है, तो एक दो तीन, तीन व्यक्ति हो गए, तो मेरा दार्जिलिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दार्जिलिंग और मनाली के बीच में एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति मेरा मनाली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं एल और लखनऊ को यहाँ पे मानूं, तो मेरा दार्जिलिंग यहाँ आ रहा है, और एक व्यक्ति जो मनाली के बीच में आ रहा है वो यहाँ पे। अब एक बात देखो आप, यहाँ पे अपने को एक कंडीशन ये थी कि जो लखनऊ है वो जयपुर एकदम ऊपर है, ठीक है, यानी दोनों एक साथ आएंगे कहीं पे, तो अपने पास यहाँ पे नाइन अकेला फ्लोर बच गया, यहाँ पे छह नंबर अकेला फ्लोर बच गया, तीन नंबर अकेला बच गया, तो मैं लखनऊ और जयपुर को दोनों एक साथ कहाँ पे रखूंगा? यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है अभी मैं लखनऊ और जयपुर को एक साथ रखूँ, ठीक है जी। अपना एल है वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ से अपना हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब मेरे पास दो कंडीशन फिर है एल और लखनऊ के लिए, ये वाली दो कंडीशन। अगर मैं एल और लखनऊ को यहाँ पे रखता हूँ, तो लखनऊ और दार्जिलिंग के बीच तीन व्यक्ति चाहिए, एक दो तीन, यहाँ पे तो गोवा आ रहा, दार्जिलिंग नहीं आ रहा ऊपर, एक दो तीन, यहाँ तो ऊपर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ एल और इसको कानपुर को, तो तीन व्यक्ति आना चाहिए दार्जिलिंग और कानपुर के बीच में, एक दो तीन, ठीक है, यहाँ पे मेरा कौन आ जाएगा, दार्जिलिंग आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे एल और कानपुर को रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा दार्जिलिंग आ जाएगा। दार्जिलिंग और मनाली के बीच में एक व्यक्ति है, यानी मनाली यहाँ पे नहीं आएगी, तो मनाली कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, फिर एक व्यक्ति है, तो मनाली मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अब फिर से आप देखो वही कंडीशन होगी, क्योंकि दो व्यक्ति चाहिए अपने, जयपुर और लखनऊ दोनों एक साथ आने चाहिए, तो यहाँ पे सुरे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो सर्टिफाइड नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि दो स्थान अपने को एक साथ खाली चाहिए लखनऊ और जयपुर के लिए, इन्फॉर्मेशन अपने पहले ही शॉर्टेंट दिख रही थी, तो अब अपने यहाँ पे देखें तो दो स्थान कहीं पे भी खाली नहीं है, तो अपना ये जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ से वो गलत हो जाती है। तो इसी तरह से आपको चेक करना है वहां पे, चाहे तो आप बिना लिखे भी चेक कर सकते हो, पर मैंने तो आपको समझाने के लिए लिख के चेक किया है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक से आ जाता है, यानी एक पॉसिबिलिटीज है अपना आंसर आ गया पटना को यहाँ पर मानने से, तो ठीक है। अगर पटना को अपने पहले यहाँ पे मान लेते तो अपना आंसर नहीं आता, और फिर अपने को पटना को यहाँ पे मानते तो अपना आंसर आ जाता। तो ये थी जो पजल आई हुई इस कदर मैच के अंदर पूछी गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए जी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।